ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज ज्योतिष में तीन ग्रहों की युति की सीरीज में हम चर्चा करेंगे मंगल बुध और शुक्र की युति। जब जन्मपत्री के किसी भाव में होती है तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस विषय के ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आने वाले समय में प्रत्येक भाव के ऊपर अलग से वीडियो भी बनाया जाएगा। तो अब हम चर्चा करते हैं मंगल बुध और शुक्र की युति। बुध और शुक्र की युति पति और पत्नी को दर्शाती है और साथ में इस युति के मंगल का होना जातक के वैवाहिक सुख के संबंधी परेशानियां पैदा करती है और संतान के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है और इस युति का मंदा प्रभाव जातक की आयु के ऊपर भी पड़ता है। जब भी आपने इस युति का कोई वीडियो देखना है तो सबसे पहले ये देखें कि यह युति लग्न कुंडली में कौन से भाव में है, उसके अनुसार उसका फल देखें और साथ में चंद्र कुंडली से भी जरूर देखें कि कौन से भाव में है, चंद्रमा से यह युति कौन से भाव में बन रही है, तभी आपको इसका अच्छा फलादेश जो है वो पता चलेगा। सबसे पहले मंगल बुध और शुक्र की युति में हम एक योग के ऊपर चर्चा करेंगे जो बहुत अच्छा योग है, जिसे श्रीनाथ योग कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब बुध और शुक्र के साथ नवम भाव के स्वामी की युति होती है तो ऐसे में श्रीनाथ नाम का योग बनता है। यह युति सिंह लग्न की कुंडली में बनेगी और मीन लग्न की कुंडली में बनेगी। सिंह लग्न और मीन लग्न की कुंडली में केंद्र और त्रिकोण स्थान में जब ये तीनों ग्रह अपनी उच्च राशि में हों, अपनी राशि में हों, तो श्रीनाथ नाम का योग बनाते हैं। जब तीनों में से कोई उच्च राशि में हो तब भी श्रीनाथ योग बनता है। श्रीनाथ योग का सबसे पहले भाव ये है कि ऐसे जातक भगवान के भक्त होते हैं, लक्ष्मीवान होते हैं, बड़ा मीठा बोलने वाले होते हैं, मधुरभाषी होते हैं और विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और परम विष्णु भगवान के भक्त होते हैं। और ऐसे जातक कोई बहुत बड़े साधु संन्यासी हो सकते हैं और ऐसे जातक के शरीर के ऊपर भी शंख, चक्र, गदा या पद्म के चिन्ह जो हैं वो शरीर के ऊपर हो सकते हैं। ऐसे जातक श्रीनाथ योग में जातक जो है बड़े सुंदर होते हैं, आदरणीय होते हैं और समाज में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, देखने में बड़े ही मनोहर होते हैं और स्त्री व पुत्र का सुख भी वो प्राप्त करते हैं। यह योग तब बनता है जब बुध और शुक्र के साथ नवम भाव का स्वामी जो है वो युति करता है, जिससे श्रीनाथ योग बनता है। अब हम अन्य लग्नों में जा इसका बाकी प्रभाव जो है क्या होता है, मंगल बुध शुक्र की युति का जातक के जीवन के पर कैसा प्रभाव हो सकता है, उसके ऊपर हम विचार करते हैं। यह युति जो है यह युति कलाकारों के लिए है। इस युति में कलाकार पैदा होते हैं, गायक पैदा होते हैं, संगीतकार होते हैं और ऐसे जातक कोई अभिनेता हो सकते हैं, कोई पत्रकार हो सकते हैं, कोई लेखक होकर उपन्यासकार हो सकते हैं। ऐसे जातक बहुत से देखे गए हैं कि चित्रकार भी होते हैं, बहुत अच्छे चित्र बनाते हैं और इस युति के प्रभाव से जातक कोई बड़ा उद्योगपति भी हो सकता है, कोई कवि हो सकता है और ऐसे जातक वैज्ञानिक भी हो सकते हैं और ऐसे जातक कोई मालाकार होते हैं, माला बनाने वाले, या ऐसे जातक सोने चांदी से संबंधित व्यवसाय करने वाले सुनार भी हो सकते हैं।
और ऐसे जातक शिल्पी भी होते हैं और संगीत विद्या में बहुत निपुण होते हैं, और ऐसे जातक कोई मॉडल हो सकते हैं और कोई फोटोग्राफर हो सकते हैं या फिल्मों के निर्माता हो सकते हैं और फैशन डिजाइनर हो सकते हैं और वकील या कोई राजनेता भी ऐसे जातक हो सकते हैं। अब हम जातक के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के ऊपर विचार करेंगे। मंगल, बुध और शुक्र की युति के ऊपर जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे जातक कुछ हीन अंग हो सकते हैं, कुछ विकलांग हो सकते हैं, खासकर जब पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो या मंदे प्रभाव में यह योग चला जाए। मंगल, बुध और शुक्र की युति वाले जातक अत्यंत धृष्ट हो सकते हैं, धूर्त हो सकते हैं और अत्यधिक कामुक भी ऐसे जातक होते हैं। काम वासना ऐसे जातकों में बहुत प्रबल हो सकती है और अस्थिर बुद्धि होती है, बहुत चंचल होते हैं और आवारा घूमने वाले भी हो सकते हैं, और ऐसे जातक बहुत बोलने वाले भी होते हैं, उत्साही होते हैं और हठी भी बहुत होते हैं। इनका शरीर कुछ दुर्बल हो सकता है और ऐसे जातक प्रत्युत्पन्न मति होते हैं, अर्थात हाजिर जवाब जिसको बोलते हैं, किसी ने कोई बात की और झट से उसका जवाब दे दिया, तो ऐसे जातक प्रत्युत्पन्न मति होते हैं और जीवन में कुछ भयभीत रहने वाले होते हैं, सुंदर वस्त्र धारण करने वाले होते हैं और ऐसे जातक मंदे प्रभाव में जुआ खेलने में भी रुचि दिखाते हैं। और यदि तीनों ग्रह शुभ हों तो ऐसे जातक जुआ आदि में भी बहुत लाभ प्राप्त करते हैं, और इस युति के प्रभाव से प्रेम विवाह की संभावना भी होती है, और इस युति के प्रभाव से जातक बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, कोई डांसर हो सकते हैं, नृत्य करने वाले हो सकते हैं और हास्य कलाकार हो सकते हैं, और ऐसे जातकों के बहुत से अफेयर होने की भी संभावना रहती है, जिससे एक तरह से व्यभिचार योग भी कह सकते हैं। आइए आगे हम इस युति में कौन कौन से योग बन सकते हैं, उनका क्या प्रभाव हो सकता है, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। अक्सर जनपत्री में देखा गया है कि मंगल बद होता है, बहुत सी कुंडलियों में मंगल बद देखा गया है जिसका बहुत अशुभ प्रभाव होता है। यदि जनपत्री में मंगल बद हो रहा हो या कुंडली में सूर्य और शनि की युति हो रही हो तो ऐसे में इसके कुछ घातक परिणाम हो सकते हैं। ऐसे जातकों को अग्नि से भय होता है और खोखली शान होती है, पिता का सुख मंदा हो जाता है, पत्नी से भी योग होता है और तलाक होने की संभावना होती है। ऐसे में जातक को मंगल बद के उपाय करने चाहिए। मंगल बद होने पर बुध जो है उसका फल जो है दोगुना खराब हो जाता है, ऐसे में जातक को मानसिक परेशानी होगी, बदनामी होती है और कष्ट रहता है और चिंता से भी जातक दुखी हो जाते हैं। और इस युति का जातक के विवाहिक जीवन और संतान के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है और आयु के ऊपर भी मंदा प्रभाव रहता है। यदि जन्मपत्री में युति से सातवें भाव में चंद्रमा हो तो जातक के तीन विवाह भी हो सकते हैं, जातक के अफेयर भी हो सकते हैं। मिथुन, कन्या, वृख और तुला राशि में यदि युति हो तो ऐसे में जातक मीठे स्वर में गाने वाला कोई प्रसिद्ध गायक भी हो सकता है। और युति पर मंदे प्रभाव में युति के ऊपर क्रूर ग्रह की दृष्टि होने पर, अशुभ दृष्टि होने पर या ग्रह जो हैं जो बलहीन हो रहे हों तो ऐसे में बहुत से अफेयर जातक के हो सकते हैं। इस युति के प्रभाव से जातक को अपने पिता के सुख में कमी हो सकती है, पिता से जल्दी जातक का वियोग हो सकता है। मेख व मिथुन लग्न की कुंडली में पति पत्नी जो हैं वो रोगग्रस्त रह सकते हैं, खासकर पत्नी जो है वो रोगग्रस्त रह सकती है मेख लग्न की कुंडली,
और मिथुन लग्न की कुंडली में पत्नी के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। और मंगल बुध शुक्र की युति कुंडली में होने पर शुभ प्रभाव में हो और शुभ दृष्टि होने पर भाव 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 और 11 में शुभ प्रभाव में युति होने पर जातक दीर्घायु को प्राप्त करते हैं और जितेंद्रिय भी होते हैं। उसके बाद अगले योग के ऊपर हम विचार करते हैं। अष्टम भाव में यह युति होने पर जातक को गुप्त रोग होने की संभावना होती है, गुहे स्थान के रोग होने की संभावना होती है, अफेयर के कारण भी जातक को गुप्त रोग हो सकते हैं। उसके बाद आगे इस योग के इस युति के ऊपर हम चर्चा करते हैं। नवम भाव में यह युति होने पर जातक धनवान होते हैं यदि मंगल बद ना हो रहा हो, और दसम भाव में युति हो तथा ये तीनों ग्रह बली हो, बली अवस्था में हो, तो ऐसे में जातक कोई सन्यासी भी हो सकता है, गृहस्थ का त्याग करके सन्यासी का जीवन जातक बिता सकता है। और कुंडली में मंगल बुध शुक्र तीन ग्रहों की युति होने पर बाकी जो 6 ग्रह रह गए हैं वो भी दो दो युतियों में हो, दो युतियां तीन हो और तीन ग्रहों की युतियां एक हो, अर्थात दो ग्रहों की युतियां तीन भावों में अलग अलग हो और एक यह तीन ग्रहों की युति हो, तो ऐसे में नंद नाम का योग होता है जिसमें जातक दीर्घायु को प्राप्त करता है और समाज में पूजनीय होता है। और इस युति के ऊपर मंगल बुध शुक्र की युति के ऊपर यदि शनि की दृष्टि हो तो बहुत से अशुभ प्रभाव देखे गए हैं, जातक को बहुत से कष्ट उठाने पड़ते हैं, अपनों से वियोग होता है, रोगों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में जातक जो है वो अल्पायु भी हो सकते हैं। और मंगल बुध शुक्र की युति होने पर यदि हम कष्टदायक आयु के वर्षों का विचार करें तो 18वां वर्ष, 24वां वर्ष, 36वां वर्ष, 61वां वर्ष और 72वां वर्ष और 74वां वर्ष जो है जातक के लिए कष्टदायक हो सकता है। इन वर्षों में जातक को दान पुण्य धर्म कर्म आदि जरूर करना चाहिए। और सिंह राशि में मंगल बुध शुक्र की युति के अशुभ प्रभाव जो हैं वो ज्यादा देखे गए। अब हम इस युति के उपायों के ऊपर चर्चा करते हैं। ऐसे जातकों को मंगल बद के उपाय करने चाहिए और प्रत्येक भाव के अनुसार उपाय कुछ अलग हो सकते हैं, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस युति के अलग अलग भावों में जो उपाय हो सकते हैं उनके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद हम अब प्रत्येक भाव में इस युति के प्रभाव के ऊपर चर्चा करते हैं। लग्न में पहले स्थान में मंगल बुध शुक्र की युति होने पर जातक जो हैं विशाल नेत्र के होते हैं, बड़ा शरीर होता है, सुंदर होते हैं, प्रियभाषी होते हैं, सत्यप्रायण होते हैं, परोपकारी होते हैं और समाज में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। यदि चंद्रमा 11वें भाव में हो तो जातक विशेष प्रसिद्धि प्राप्त करता है, पूरी दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। और कुंभ राशि में लग्न में यह युति होने पर जातक को हड्डियों से संबंधित रोग हो सकते हैं, कुछ गुप्त रोग भी जातक को हो सकते हैं। और मेष, कन्या, मिथुन, वृश्चिक राशि में युति होने पर भी जातक को गुप्त रोग होने की संभावना होती है। और वृश्चिक और कुंभ राशि में युति हो तथा भाव 4 और 10 में या भाव 5 और 9 में पाप ग्रह हो तो ऐसे में जातक जो है मानसिक परेशान होकर, मानसिक रूप से परेशान होकर आत्मघात भी कर सकते हैं। मंगल बुध शुक्र की युति लग्न में होने पर जातक को कफ विकार होते हैं, बलगम से संबंधित रोग होते हैं और ऐसे जातक अंतर जातीय विवाह कर सकते हैं, प्रेम विवाह कर सकते हैं। और षष्ठेश की दृष्टि यदि इस युति के ऊपर हो तो ऐसे में जातक शत्रु के द्वारा कष्ट पाते हैं, शत्रु की साजिश का शिकार ऐसे जातक हो सकते हैं।
उसके बाद कुंडली के दूसरे भाव में मंगल बुध शुक्र की युति होने पर ऐसे जातक नीति से चलने वाले होते हैं, कोई कृषक हो सकते हैं और वाहन का सुख ऐसे जातकों को प्राप्त होता है, बड़े समृद्ध होते हैं, अनेक मित्रों वाले होते हैं और ऐसे जातकों को ससुराल से लाभ होता है, या अपने जीवन साथी से बहुत लाभ प्राप्त करते हैं, या अपने प्रेमी या प्रेमिका से बहुत धन लाभ प्राप्त करते हैं। और दूसरे भाव की जो युति है जातक को अपंगता भी दे सकती है, शरीर के किसी अंग से जातक अपंग हो सकता है, विकलांग हो सकता है और ऐसे जातक के बहुत से अफेयर हो सकते हैं जिस कारण से वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है और एक से अधिक जातक के विवाह हो सकते हैं। और इस युति के ऊपर जितने शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जातक के उतने विवाह होते हैं और जितने पाप ग्रहों की दृष्टि हो उतने जीवन साथियों से वियोग होता है या उतने विवाह जातक के नष्ट हो सकते हैं। पाप ग्रह की दृष्टि होने पर ऐसे जातक कोई अपराधी हो सकते हैं, गलत कार्य करने वाले हो सकते हैं, कोई तस्कर हो सकते हैं। और वृक राशि में लग्न में यह युति होने पर राजयोग बनता है और तुला राशि में भी द्वितीय भाव में यह युति होने पर राजयोग बनता है और वृक राशि में भी द्वितीय भाव में यह युति होने पर राजयोग बनता है। कुंडली में भाव 8 खाली हो तो ऐसे में जातक विशेष धनी होगा और यदि जातक का चाल चलन अच्छा हो, अफेयर के चक्रों में यदि जातक न पड़े तो बहुत उत्तम दर्जे का व्यापारी ऐसा जातक हो सकता है। उसके बाद तृतीय भाव में मंगल बुध शुक्र की युति होने पर जातक को वैवाहिक सुखों में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे विवाह बहुत देर से होना या तलाक होना। इसी प्रकार संतान सुख में भी कमी होती है और आयु के ऊपर भी मंदा प्रभाव होता है। ऐसे जातकों को धन की चिंता रहती है, धन की हानि होती है, असफलता का सामना करना पड़ता है। भाई बहनों से ऐसे जातकों को लाभ होता है और अफेयर भी ऐसे जातक के हो सकते हैं। और ऐसे जातकों को ससुराल के साथ मिलकर व्यवसाय नहीं करना चाहिए, उसका मंदा प्रभाव होता है। ऐसे जातक का अपने जीवन साथी से तलाक हो सकता है, वियोग हो सकता है। यदि जातक की 3 बेटियां हों तो बहुत शुभ फल जातक को मिलेगा और लक्ष्मी माता की कृपा जातक के ऊपर होगी और बुध का प्रकोप जो है वो शांत हो जाएगा। और 25 या 34 की आयु में जातक को विवाह नहीं करना चाहिए यदि तृतीय भाव में मंगल बुध शुक्र की युति हो। इसके बाद कुंडली के भाव 4 में मंगल बुध शुक्र की युति होने पर जातक धनी होते हैं, बहुत समृद्ध होते हैं, वाहनों का व्यवसाय से जातक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, बड़े विनीत स्वभाव के होते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं, बड़ा परिवार होता है और ऐसा जातक ना तो किसी का बुरा करेगा और न किसी का बुरा सोचेगा। फिर भी ऐसा जातक दूसरों के लिए मंदा हो सकता है और बुध जो है वो कुछ मंदा होगा पर फिर भी उसका मंदा प्रभाव शरीर के ऊपर नहीं होगा। इस युति के प्रभाव से जातक के मामा को कष्ट हो सकता है और मामा से जातक को भी परेशानी हो सकती है और मामा परिवार को जल से भय रहेगा। और ऐसे जातकों को घर में कोई वाद्य यंत्र नहीं रखने चाहिए और नान के पक्ष के साथ मिलकर कोई व्यापार नहीं करना चाहिए और धन का लेन देन नहीं करना चाहिए। भाव 4 में यह युति होने पर जातक को अपना चंद्रमा कायम करना चाहिए और सिंह व मकर राशि में युति हो तो जातक को वायु विकार होते हैं, बात रोग होते हैं और वृश्चिक राशि में मंगल बुध शुक्र की युति चतुर्थ भाव में होने पर और साथ में यदि तृतीय भाव में पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तृतीय भाव में पाप ग्रह बैठा हो तो ऐसे में जातक को हृदय रोग होने की संभावना होती है। और मीन राशि में चतुर्थ भाव में यह युति होने पर जातक को विदेश यात्रा करते हैं और विदेश में निवास भी कर सकते हैं। उसके बाद पंचम भाव में मंगल बुध और शुक्र की युति होने पर जातक बड़े भाग्यशाली होते हैं, धार्मिक होते हैं,
अच्छे कार्यों को करने वाले होते हैं, सत्कार्यों में लीन रहने वाले होते हैं, धन धान्य से युक्त होते हैं। किंतु यदि जन्मपत्री में मंगल बध हो रहा हो या जन्मपत्री में सूर्य और शनि की युति हो रही हो तो ऐसे में जातक आपराधिक मानसिकता के हो सकते हैं, गैर कानूनी कार्य करने वाले हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े में लगे रहने वाले होते हैं, जिस कारण जातक को 25 वर्ष की आयु में या 28 वर्ष की आयु में लड़ाई झगड़े में या किसी हथियार से या अग्नि से या विष से कष्ट की संभावना प्रबल होती है। और पंचम भाव में यह युति होने पर जातक का जीवन साथी कुछ विकलांग हो सकता है, जातक की पत्नी विकलांग हो सकती है। ऐसे जातकों को जिनके पंचम भाव में मंगल बुध शुक्र की युति हो उनको अफेयर आदि से बचना चाहिए। और मंगल बध का योग होने पर यदि मंगल कुंडली में बध हो रहा हो तो ऐसे में जातक के पेट में एक ही बल पड़ता होगा तथा 25 या 28 वर्ष की आयु में कष्ट होगा। किंतु यदि जन्मपत्री में सूर्य और चंद्र की युति हो तो मंगल बध का अशुभ प्रभाव जातक के ऊपर नहीं होगा, यह भी ध्यान रखना चाहिए। और पंचम भाव में यह युति होने पर जातक अच्छे गणितज्ञ हो सकते हैं और ऐसे जातकों को नेत्र रोग हो सकता है और ऐसे जातक कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई कलाकार भी हो सकते हैं। उसके बाद हम चर्चा करते हैं छठे भाव के ऊपर। छठे भाव में मंगल बुध शुक्र की युति होने पर जातक सद्बुद्धि वाले होते हैं, धनी होते हैं, समृद्ध होते हैं और शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। और तुला राशि में यह युति होने पर जातक को विवाह के बाद कष्टों का सामना करना पड़ता है। और तुला राशि में या सिंह राशि में युति होने पर जातक के एक से अधिक विवाह हो सकते हैं। और तुला और मीन राशि में युति होने पर जातक को आंखों से संबंधित रोग होते हैं। और इस युति के ऊपर किसी भी राशि में यह युति हो और इस राशि इस युति के ऊपर जितने शुभ ग्रहों की दृष्टि हो उतने जातक के विवाह हो सकते हैं और जितने पाप ग्रहों की दृष्टि हो उतने विवाह जातक के नष्ट हो सकते हैं। और अशुभ प्रभाव में जातक कोई तस्कर हो सकता है, कोई अपराधी हो सकता है और ऐसे में जातक के हाथों और पैरों के ऊपर कष्ट होता है। और यदि जन्मपत्री में शनि द्वितीय भाव में हो तो जातक धन धान्य से समृद्ध होते हैं। उसके बाद कुंडली के सप्तम भाव में मंगल बुध शुक्र की युति होने पर ऐसे जातक धनी होते हैं और कृषि कार्यों से लाभ प्राप्त करते हैं। और ऐसे जातक कुछ दबंग भी हो सकते हैं और ऐसे जातक प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, समाज में ऐसे काम करते हैं जिससे इनकी प्रशंसा होती है। किंतु इनको 2 वर्ष की आयु में कष्ट की संभावना होती है। ऐसे जातक दीर्घायु भी प्राप्त करते हैं किंतु वैवाहिक सुख में जातक को कमी हो सकती है, संतान सुख में कमी हो सकती है। ऐसे जातकों को अपने घर में कांसे के बर्तन जरूर रखने चाहिए। और सप्तम भाव में यह युति होने पर जातक को रक्त विकार हो सकता है और शरीर की नसें कमजोर हो सकती हैं, नसों से संबंधित रोग हो सकते हैं। ऐसे जातकों को मंदा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो बहुत झगड़े होते हैं। और ऐसे जातक कोई कलाकार हो सकते हैं, संगीतकार हो सकते हैं, चित्रकार हो सकते हैं, कोई राजनेता भी हो सकते हैं। इसके बाद अष्टम भाव के ऊपर हम विचार करते हैं। जन्मपत्री में अष्टम भाव में मंगल बुध और शुक्र की युति होने पर यदि यह युति धनु राशि में हो तो जातक को विवाह के बाद कष्टों का सामना करना पड़ता है। और यदि धनु या वृख राशि में यह युति अष्टम में हो तो जातक को नेत्र विकार होते हैं, आंखों के रोग होते हैं। और यदि मकर राशि में यह युति हो तो ऐसे में जातक कोई सन्यासी भी हो सकता है। और कुंडली में जितने शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जातक के उतने विवाह होते हैं और जितने पाप ग्रहों की दृष्टि हो उतने विवाह जातक के नष्ट होते हैं। और यदि जन्मपत्री में मंगल बध हो रहा हो या सूर्य और शनि की युति कुंडली में हो और पेट के ऊपर एक ही बल ऐसे जातक के पड़ता होगा तो ऐसे में जातक कोई अपराधी हो सकता है, आपराधिक प्रवृत्ति का हो सकता है और लड़ाई झगड़े में रत रह सकता है। तो उसे 25 वर्ष की आयु में या 28 वर्ष की आयु में अपने शत्रु से बहुत भय होता है,
हथियारों से कष्ट हो सकता है, लड़ाई झगड़े में जातक को कष्ट हो सकता है, अग्नि से कष्ट हो सकता है, जब विष से जातक को कष्ट हो सकता है यदि जन्मपत्री में मंगल वध हो रहा हो। किंतु यदि जन्मपत्री में सूर्य और चंद्र की युति कुंडली में हो रही हो तो बुरा प्रभाव जातक के ऊपर नहीं होगा, यह भी याद रखना चाहिए। उसके बाद आगे विचार करते हैं, कन्या राशि में अष्टम भाव में यह युति हो तो जातक कोई वैज्ञानिक भी हो सकता है, कोई आविष्कार भी कर सकता है। और मामा के लिए जन्मपत्री में यह योग शुभ नहीं होगा, मंगल बुध शुक्र जिनके अष्टम भाव में हो तो उनके मामा के ऊपर इस योग का बहुत अशुभ प्रभाव पड़ता है। और यदि जातक के मामा कोई सन्यासी बन जाते हैं तभी वो ठीक रह सकते हैं। और अष्टम भाव में यह युति होने पर जातक को किसी स्त्री के कारण महा दुख उठाना पड़ता है। उसके बाद हम अगले भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, कुंडली के नवम भाव में मंगल बुध और शुक्र की युति होने पर जातक चंचल स्वभाव के होते हैं, सदैव भयभीत रहने वाले होते हैं और सरकार से इनको बहुत लाभ होता है। और ऐसे जातक कुछ उग्र स्वभाव के भी होते हैं और बुद्धिमान होते हैं, कामोपभोग से ये प्रांगमुख हो सकते हैं। और वृख राशि में यदि युति हो तो ऐसे में राजयोग होगा तथा जातक बहुत से लोगों को रोजगार देने वाला होगा, किसी बड़ी कंपनी का स्वामी भी ऐसा जातक हो सकता है। यदि वृख राशि में यह युति हो तो बड़ा ही अच्छा योग बनेगा, पूरा राजयोग बनेगा। और नवम भाव में मंगल बुध शुक्र की युति होने से जातक का अपनी पत्नी से झगड़ा रह सकता है या पत्नी की सेहत खराब रह सकती है, उसके उपाय के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि जन्मपत्री के भाव दो में चंद्रमा हो तो बहुत अच्छा प्रभाव होता है। और नवम भाव में यह युति होने पर ऐसे जातक कोई वैज्ञानिक भी हो सकते हैं। उसके बाद जन्मपत्री के दसम भाव में मंगल बुध और शुक्र की युति होने पर जातक खूब धनी होते हैं, बहुत समृद्ध होते हैं, प्रतापी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, शत्रु का नाश करने वाले होते हैं। और यहाँ पर भी राजयोग बनता है, जातक कोई बहुत बड़ा उच्च अधिकारी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा राजनेता हो सकता है और उसे बहुत प्रसिद्धि मिलती है। ऐसे जातक चुनाव आदि में जीतकर कोई बड़ा पद भी प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे जातक दीर्घायु होते हैं। और यदि इस युति के ऊपर अशुभ प्रभाव हो रहा हो तो ऐसे में जातक का अपने ससुराल से झगड़ा रह सकता है और विवाहिक जीवन में जातक नाखुश हो सकता है, प्रेम विवाह की संभावना यहाँ पे बनती है। और यदि कुंडली का अष्टम भाव अशुभ हो रहा हो, मंदा हो रहा हो, तो दसम भाव में इस युति का कोई अच्छा फल जातक को प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद ग्यारहवें भाव के ऊपर हम चर्चा करते हैं, मंगल बुध शुक्र की युति कुंडली के ग्यारहवें भाव में होने पर ऐसे जातक जो हैं सत्याचरण करने वाले होते हैं, अच्छे आचरण के लोग होते हैं और बड़े सुंदर होते हैं, मनस्वी होते हैं, नीति परायण होते हैं, नीति से चलने वाले होते हैं और सदा विजय ही रहते हैं। और ऐसे जातक कोई बड़े राजनेता हो सकते हैं, कोई संगीतकार हो सकते हैं, कोई कलाकार हो सकते हैं। तो अब हम एक राजयोग के ऊपर चर्चा करेंगे, जो जातक को विश्व स्तर का कोई बहुत बड़ा नेता बना सकता है। तो यदि लग्न में शनि हो और दसम भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति हो तो ऐसे में विशेष राजयोग होगा, जातक पूरी पृथ्वी के ऊपर अपना नाम कमाएगा। और ऐसा जातक किसी बहुत बड़े देश का कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या राजनीति में उच्च पद भी प्राप्त करने वाला हो सकता है और उसे विश्व में बहुत प्रसिद्धि मिलेगी। ग्यारहवें भाव में मंदे प्रभाव के ऊपर यदि चर्चा करें तो ऐसे जातक यदि शराब का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं तो उनके आंखों के ऊपर बुरा असर होता है और ऐसे जातकों का अपने प्रिय जनों से वियोग हो सकता है। उसके बाद कुंडली के बारहवें भाव में मंगल बुध और शुक्र की युति होने पर जातक कुछ क्रूर स्वभाव के हो सकते हैं, भाग्यहीन हो सकते हैं और कांतिहीन हो सकते हैं। और मेष और कन्या राशि में यदि युति हो
तो जातक को बात रोग होते हैं, वायु विकार होता है, और मिथुन राशि में युति हो तथा पाप ग्रह की दृष्टि हो और सूर्य भी किसी पाप ग्रह के साथ युति करे तो ऐसे में जातक संतान सहित मूक हो सकता है। और आगे चर्चा करते हैं, मेष राशि या कन्या राशि में यदि युति हो रही हो तो जातक को नेत्र रोग हो सकते हैं, और सिंह राशि में यदि युति हो जातक राजयोग प्राप्त करता है, किंतु यदि सिंह राशि में युति हो और उसके ऊपर शनि की दृष्टि हो तो जातक किसी धनी और समृद्ध परिवार में जन्म लेता है, किंतु उसे पेट रोग होने की संभावना होती है और शरीर के ऊपर भारी कष्ट हो सकता है। और 12वें भाव में यह युति होने पर जातक को वैवाहिक सुख में कमी हो सकती है, कान से संबंधित रोग हो सकते हैं और धन हानि का सामना जातक को करना पड़ सकता है। यदि आपकी जन्मपत्री में भी मंगल, बुध और शुक्र की युति हो रही है तो अपने विचार, अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर लिखें, और हम पिछले 200 250 साल की कुंडलियों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। आने वाले समय में प्रत्येक युति के ऊपर प्रत्येक भाव का वीडियो जो है विस्तार से बनाया जाएगा, तो इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आपको प्रत्येक युति के ऊपर उसके प्रभाव का जानकारी जो है वो मिल सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।